सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल ड्राइव। आज की जो ये वीडियो है न्यू ड्राइवर्स के लिए है, प्लस जो गाड़ी अभी हमारे फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं और गाड़ी को लेकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं सीखने से पहले, प्लस जो गाड़ी ऑलरेडी जानते हैं चलाना वो भी देख सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गाड़ी कभी भी इनिशियल स्टार्ट पर बंद नहीं होगी गाइस। एक ऐसी ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। तो उससे पहले गाइस हम ये देख लेते हैं कि हमारी गाड़ी में एबीसी क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ड्राइवर साइड के बिल्कुल नीचे ये आ गया आपका एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो ये है ए, ए फॉर एक्सीलेटर, जिससे कि आपकी गाड़ी को फोर्स मिलता है। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी चलना शुरू करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये आ जाता है ब्रेक, जब आप इसे दबाते हैं तो आपकी गाड़ी रुक जाती है, ब्रेक लग जाती है इस पैडल को दबाने से। तो एक्सीलेटर और ब्रेक आप जो है अपने राइट फुट से ऑपरेट करेंगे, या आप एक्सीलेटर ही दबाएंगे या ब्रेक ही दबाएंगे, दोनों में से एक चीज़ आपकी इस पैर से कंट्रोल होगी। और फ्रेंड्स ये आ जाता है क्लच, क्लच आप ऑपरेट करेंगे अपने लेफ्ट पांव से। तो क्लच आपको पता ही है, जब आप गियर शिफ्ट करते हैं या इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो आपको क्लच दबाने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे हम गाड़ी को इनिशियल स्टार्ट पे बंद होने से रोक सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर न्यू ड्राइवर्स के साथ आती है, जब वो गाड़ी इनिशियली स्टार्ट करते हैं, पहला गियर लगाते हैं क्लच दबाकर और क्लच छोड़ते हैं, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कितने कॉम्बिनेशन से क्लच छोड़ें, कितना एक्सीलरेट करें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएं। तो चलिए गाइस गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइस हमने गाड़ी कर दी है अपनी स्टार्ट और अब क्लच दबा लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्लच दबा दिया है और यहाँ से फर्स्ट गियर लगा दिया है। तो अब आपकी गाड़ी इस वक्त खड़ी है, तो अब आपको एक्सीलरेट नहीं करना है, हम सिर्फ क्लच की हेल्प से गाड़ी चलाएंगे। तो अब हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे इसको मैं रिलीज़ करता हूँ, बहुत ही हल्के हल्के। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी गाड़ी चलने लगेगी। ये देखिए, अब धीरे धीरे गाड़ी इंजन आवाज़ करने लगा है और गाड़ी चलने लगी है। तो ये देखिए, गाड़ी हमारी चल पड़ी है। तो ये वो पॉइंट है दोस्तों, जब आपको क्लच पूरा छोड़ देना है। ये देखिए, मैंने क्लच बिल्कुल एकदम छोड़ रखा है और एक्सीलरेट नहीं किया है और गाड़ी आपकी चल रही है। तो इस वक्त आप थोड़ा सा एक्सीलरेट करेंगे तो गाड़ी आपकी चलने लगेगी, क्योंकि और फोर्स मिलेगा गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी फर्स्ट गियर में है। तो आपने देखा कि बिना एक्सीलरेशन और क्लच के कॉम्बिनेशन से कैसे आपने गाड़ी चलाई। तो अब हम गाड़ी को रोकते हैं। तो गाड़ी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लच और ब्रेक दोनों एक साथ हमें प्रेस करनी है। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी रुक गई। तो ये एक्सरसाइज गाइस आपको बार बार करनी है। गाड़ी स्टार्ट है, क्लच हमने दबा लिया और पहला गियर लगा दिया और हम क्लच धीरे 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 छोड़ते हैं और हमारी गाड़ी जो है जब तक चलेगी नहीं तब तक छोड़ते रहेंगे, और जब चलने लग जाएगी तो उसी पॉइंट पर होल्ड कर देंगे। देखिए, गाड़ी अब चलने लगी है और क्लच हमने होल्ड करके इसको छोड़ दिया है। ये देखिए, और अब हम गाड़ी रोकेंगे तो क्लच भी दबाएंगे और ब्रेक भी दबाएंगे। तो ये देखिए, गाड़ी हमारी रुक गई है और मैंने यहाँ पर क्लच और ब्रेक दोनों ये दबा के रखा है। दोबारा से हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी चलने लगेगी और फिर वापस रोक देंगे क्लच और ब्रेक दबा करके। तो ये एक्सरसाइज आप रिपीट करते रहिए। तो ये एक्सरसाइज गाइस आपको बार बार करनी है, और याद रखिए क्लच आपको सिर्फ उतना ही छोड़ना है जितना कि रिक्वायर्ड है, और झटके से क्लच या जल्दी से क्लच नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे ही छोड़ना है। अगर आप झटके से या जल्दबाजी में क्लच को छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, अगर धीरे धीरे छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। याद रखिए, आपको वो पॉइंट ढूंढना है जिस पर आपकी गाड़ी
फोर्स लेने लग जाए और फिर आपको क्लच पूरा रिलीज़ कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।